जैसे उसने कहा 20 मिनट है तुम्हारे पास खाना बनाने को, अगर खाना नहीं बना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो रुचि के होश ही उड़ गए थे। वो वैसे ही गीले कपड़े में वहाँ से किचन की ओर भागती है और किचन में आकर उसे याद आता है कि गैस चूल्हा जलाने के लिए तो किचन में लाइटर ही नहीं है। इसलिए वो फौरन ही उस लड़के के लाइटर पूछने के लिए पुल की तरफ भाग जाती है। पर उसके गीले कपड़े के कारण जब वो वहाँ से भागकर किचन की तरफ जा रही थी तो पुल से लेकर किचन तक के उसने सभी जगह पानी ही पानी कर दिया था। ऐसे में जब वो भाग के उसके पास आई तो उसी पानी पर पैर पड़ने के बाद वो इतनी तेज़ी से फिसले कि अपने साथ साथ बेचारे उस लड़के को भी पुल में गिरा देती है, जिससे उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि वो बता नहीं सकता। और रुचि को इतनी हंसी आती है कि वो खुद की हंसी रोक नहीं पाती और ज़ोर से हंसने लगती है। पर लड़का तो मूड ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले कपड़े चेंज किए थे और अब फिर से कपड़े चेंज करने चले गए थे। इसलिए उस लड़की के चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं थी, पर रुचि की हंसी उसे बुरी लग रही थी, इसलिए वो खामोशी से उसे हंसता हुआ देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसको इस तरह से देखकर वो कैसे भी करके अपनी हंसी रोक लेती है और सॉरी बोलकर पूल से बाहर निकल आती है और चुपचाप किचन की तरफ जा रही होती है कि उसे याद आता है कि वो तो यहाँ किस लिए आई थी। उसे तो उससे लाइटर का पूछना था, इसलिए वो उस लड़के की तरफ घूम जाती है। और जैसे ही वो घूमती है तो देखती है कि उसने फिर से अपनी टी शर्ट उतार दी थी और खुद को टॉवल से सुखा रहा था। उसकी बॉडी रुचि को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और उसकी आंखें उस पर ठहर ही गई थी। वो तो सपनों में ही खो गई थी और सोच रही थी कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, तभी तो चुटकी बजाकर उसका हसीन ख्वाब तोड़ देता है और उससे कहता है कि अब मुझे देख लिया हो तो कुछ खाने को बना दो। उसकी ये बात सुनकर तो रुचि शर्म से पानी पानी हो गई थी और वो लड़खड़ाती जुबान में कहती कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, वैसे भी मैं तुम्हें क्यों देखने लगी भला। पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, इसलिए वो लड़का कहता है मेरा नाम नकुल है, पर तुम मुझे सर या बॉस बुलाओगी, समझी तुम। और अब यहाँ रुकी किस लिए हो, जो पूछने आई थी वो पूछो। उसकी ये बात सुनकर रुचि फौरन ही बोल पड़ती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ कुछ पूछने आई थी, जिस पर वो गुस्से में आंखें दिखाती है। और रुचि समझ जाती है कि इसका पहले से मूड खराब हो, तो वह फौरन ही कहती है आपके किचन में लाइटर नहीं है, ना ही कोई माचिस है, मैं गैस जलाऊँ तो जलाऊँ कैसे। उसकी ये बात सुनते ही नकुल की तो हंसी ही छूट जाती, पर वो खुद को कैसे भी हंसने से रोक लेता और कहता चलो मैं बताता हूँ। और किचन ले जाकर जैसे वो चूल्हे का स्विच ऑन करता है तो बिना लाइटर ही जलने लगता है। रुचि ये सब बहुत हैरानी से देख रही थी। फिर नकुल एक एक करके कौन चीज़ कहाँ है उसे बताता है और फिर उससे कपड़े चेंज करने के बाद खाना बनाने को कहता, और खाना बनने के बाद वो फर्श से पानी भी साफ़ करने को कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके आते ही रुचि एक बार किचन के बाहर नज़र घुमाकर देखती है तो अपना माथा पकड़ कर ही बैठ जाती है, क्योंकि उसने पुल से लेकर किचन तक सारे फर्श को गीला कर दिया और अब उसे साफ भी करना था। फिर क्या था, उसने फौरन कपड़े चेंज करके वो खाना बनाने में लग जाती है, पर खाना बनाने इतना वक्त ज़्यादा हो जाता है
कि जब तक वह खाना लेकर रूम में पहुंचती है वह सो जाता है। पर उसकी भोली सी प्यारी सी सूरत देखकर वो उसके पास जाने से रोक नहीं पाती और जैसे ही वो खाने को ट्रे साइड में रख कर उसे कंबल ओढ़ने को होती है वो फौरन ही उसका हाथ पकड़ लेता और दोनों किसी बुत की तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। तभी मोबाइल का अलार्म बजता है तो दोनों फौरन ही अपने होश में आ जाते हैं। नकुल भी झट से उसका हाथ छोड़ देता है और वो भी फौरन उससे दो कदम दूर हट के खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाती हुई कहती है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी पर आप सो गए थे इसलिए मैं आपके ऊपर कंबल डाल रही थी। नकुल भी अपनी आंखें चुराते हुए हाँ हाँ ठीक है अब तुम जा सकती हो, खाना यहीं रखा रहने दो, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। अभी जो कुछ भी है उससे दोनों बहुत ही नर्वस थे और दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे और जैसे ही नकुल ने उससे जाने को कहा वो फौरन ही उसके रूम से बाहर चली जाती है। उसकी दिल की धड़कन अब भी बहुत तेज चल रही थी मानो उसको उनसे प्यार हो गया हो। यही हाल नकुल का भी था पर दोनों की ये बातें बहुत बकवास लग रही थी इसलिए नकुल उठकर खाना खाने लगता है और रुचि फर्श से ले पानी पोंछने लगती है। पर जैसे ही नकुल एक निवाला खाता है उसके कानों से तो धुआं निकल आता है, वो पानी का गिलास एक बार में ही पी जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है अरे पागल लड़की। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा बंगला नकुल की आवाज़ से गूंज चुका था और फिर रुचि भी बहुत डर जाती इसलिए वो काम अधूरा छोड़ के घर की बाहर पुल की तरफ चली जाती है। पर नकुल उससे भी तेज भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब क्या होगा रुचि का, क्या ये सब उसने जानबूझकर किया था नकुल को परेशान करने के लिए, अगर नहीं तो भी अब रुचि का क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं अगले बार में भाग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टाटा।